फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, दिसंबर के अंदर क्या है, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव और जो पटवारी का एग्जाम है वो होने जा रहा है। तो उनमें क्या है, जो पंचायती राज है, जो ग्राम सभा है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको केवल तीन वीडियो के अंदर, यानी कि फर्स्ट वीडियो आज मैं डाल दूंगा और उसके बाद दो वीडियो और आएंगी। अगर आपने वो तीनों वीडियो देख ली तो जो ये ग्राम पंचायत से संबंधित टॉपिक्स हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। और आपके क्या है, एग्जाम में अगर उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पहले ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था तो ग्राम पंचायत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब की बार भी क्या वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% है। और आपको क्या है, कहीं भी ढील नहीं देनी है, ठीक है। तो आप क्या है, बस तीन वीडियो मैं आपको कहता हूं, तीन वीडियो आप देख लो, ठीक है। और साथ में मैं क्या है, इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, एसकेके एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सामुदायिक जो केंद्र होते हैं उनके विकास की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। जो सामुदायिक विकास केंद्र हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों देखो, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी भी आपके पास लगभग एक महीने का समय है और आपको केवल तीन वीडियो देखनी है। और जो आपके टॉपिक्स हैं, आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ना, उनको उठाकर देखो, वहां पर स्टडी करो कि क्या क्या पूछा गया था, और फिर क्या है उस हिसाब से अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखें, ठीक है। क्योंकि एक महीना आपके रिविजन के लिए पर्याप्त है, और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो भी क्या है, कुछ ना कुछ करके जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने भी इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन है ना, वो सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखोगे ना, तो आपके काम आएगी वीडियो। स्किप करके देखते हो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको अवॉइड कर दो, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आपको काफी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या रहा है? देखो दोस्तों, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में, उसकी असफलता किस कारण से रही है? शिक्षा के अभाव के कारण क्या है, जो वो कार्यक्रम है वो क्या है भाई, पीछे छूटता चला गया। नेक्स्ट देखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, देखो भारत क्या है, एक बहुत ही बड़ा देश है और यहां पर अधिकतर जो जनसंख्या है वो क्या है, गांव के अंदर रहती है, ठीक है। और सरकार के जो कुछ चुने हुए लोग हम चुनते हैं मतदान करके, वो क्या है, बहुत ही कम संख्या होती है, वो इतने बड़े भारतवर्ष पर अपना शासन नहीं चला सकते, तो इसलिए उनको क्या है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण जरूरी हो गया कि भाई गांव जो सरकार है उसको क्या है, गांव के लोगों से जोड़ना। इसके लिए उन्होंने क्या है, ग्राम पंचायतें बनाई, सरपंच का पद बनाया, ग्राम सभा बनाई, ठीक है। दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 को हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। और तीन वीडियो में लेकर आने वाला हूं, बैक टू बैक मैं आपको सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो को क्या है, आपने देखना है। अगर आपने ग्राम सचिव, कनाल पटवारी और पटवारी का एग्जाम देना है और उनमें सिलेक्शन पाना है तो ये वीडियो देख कर जाना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिपोर्ट कब दी? अब 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति का गठन हो गया, तो गठन इसलिए किया गया था कि भारत के अंदर क्या है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको शुरू किया जा सके। तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो क्या सरकार को सौंप दी थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ग्राम पंचायत के कार्य, अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ग्राम पंचायत के कार्यों का पता होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। सॉरी, यहां पर देखो क्या है, जो ग्राम पंचायत है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, जो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य होते हैं ना, वो करते हैं इसका निर्माण। नेक्स्ट देखो,
ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? देखो दोस्तों, ग्राम पंचायत होती है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। जो सरपंच होता है ना गांव का, वो उसका काल जो उसका कार्यकाल भी होता है, काम करने का जो उसका पीरियड है वो भी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। जो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य होते हैं वो क्या है, अपने मतों से क्या है, सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। वो सरपंच क्या है, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, जो बाकी के जो सरपंच के साथ मिलके काम करते हैं उन्हीं के साथ निर्णय लेकर क्या है, जो क्या है, पूरे गांव का जो क्या है, क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट देखो, ग्राम सभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु, देखो दोस्तों ग्राम सभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु तो क्या है, 18 वर्ष है। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 21 वर्ष। महिलाओं के लिए तो 18 वर्ष है, जो पुरुष उम्मीदवार है वो क्या है, कल केवल कम से कम क्या है, 21 साल के होने चाहिए। सभी पंच मिलकर चुनते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सभी पंच होते हैं वो मिलकर किसको चुनते हैं, सरपंच को। ग्राम सचिव नियुक्त किया जाता है, अभी ग्राम सचिव का पेपर देने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, जो सरपंच होता है उसको गांव के ही लोग चुनते हैं, वो भी क्या है, एक चुनाव प्रक्रिया के दौरान इसको संपन्न करवाया जाता है। लेकिन जो ग्राम सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, सरकार करती है। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करती है, सरकार करती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सभा का कार्य क्या है, देखो दोस्तों ग्राम सभा का कार्य क्या है, जो ग्राम सभा होती है उसका कार्य क्या है, जो गांव के अंदर जो कार्य चल रहे हैं उनकी निगरानी करना, ठीक है। गांव के अंदर कोई मतलब कच्ची गली है तो उसको पक्का किया जा रहा है, कोई पार्क बनाना है, या गांव की जो पेयजल की समस्या है, उन सभी चीजों का क्या है, ग्राम सभा का कार्य है ये। नेक्स्ट देखो, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, गांव में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका एक स्पष्ट उदाहरण इसी बात से है कि गांव के ही लोग क्या है, गांव का जो सरपंच है वो क्या है, सत्ता में पूर्ण रूप से भागीदार है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायतों की आय का साधन है, देखो दोस्तों ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है, एक तो जो सरकार उनको अनुदान देती है कार्य करने के लिए, जो क्या है उनको पैसे देती है, वो एक क्या है, ग्राम पंचायत का एक आय का साधन है। वो जो संपत्ति जानी जानकारी है, ऐच्छिक दान कोई आप कर सकते हो ग्राम पंचायत को, वो भी उनकी आय का साधन है। ग्राम पंचायत के कार्य दोस्तों, अब आपको जुट जाना है मेहनत में, ठीक है। आपको मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराना। देखो दोस्तों, अभी आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल करके छोड़ो मत उसको कभी भी, ठीक है ना। आपने फॉर्म भरा है नौकरी पाने के लिए, और नौकरी केवल फॉर्म भरने से नहीं मिलती, आपके प्रयासों से मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जब ठोकर खाकर क्या है, हर एक चीज टूट जाती है, ठोकरे खाकर हर एक चीज टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, कामयाबी एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने से ही मिलती है। ठोकर खाने से इंसान कमजोर नहीं होता और मजबूत होता है, उसको अपनी कमियों का पता चलता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं ला कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आपको कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन आप हर एक वीडियोज को देखो, मेहनत करो, तभी नौकरी मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, स्थानीय कर का निर्धारण और वसूली करना, ठीक है। कई बार देखो, वसूली किसकी करते हैं वो, क्योंकि गांव के अंदर जो पंचायती जमीन होती है, कई बार उस जमीन को क्या है, खेती करने के लिए क्या है, जो ठेकेदार होते हैं उनको दे दिया जाता है, तो वहां से कर आता है, वो क्या है, उस कर की वसूली करना, और जो पैसा आया है उसको गांव के विकास कार्य में लगाना। नेक्स्ट देखो, योजनाओं का क्रियान्वयन, जन सुविधाओं को निर्माण और रख रखाव, ग्राम पंचायत के लिए कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ग्राम पंचायत के लिए, जो ग्राम पंचायत के लिए कम से कम जो जनसंख्या होनी चाहिए वो क्या है, 500 आदमियों की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राम सभा की वर्ष में बैठक होनी चाहिए 2 बार। ये क्वेश्चन पिछली बार ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था ना, उसके अंदर पूछा गया था कि जो ग्राम सचिव की बैठक है वो कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार 1 साल के अंदर होनी चाहिए।
पंचायती राज का आधार है, पंचायती राज का जो आधार है, केंद्र बिंदु है, वो कौन है? ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। अभी जो पंचायती राज जो विषय है वो क्या है? राज्य सूची जो सूची है उसका विषय है, उसके अंतर्गत क्या है? पंचायती राज व्यवस्था आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, यहां से इसका पदार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ करने वाले राज्य कौन कौन से थे? देखो दोस्तों, भारत के अंदर क्या है, पंचायती राज जो व्यवस्था है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है, जो राजा महाराजा होते थे मुगल कालीन में भी और जो अन्य वंश है उनमें भी क्या है, ग्रंथों में पता चला है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है, प्राचीन काल से चली आ रही है। और उसी समय में क्या है, जो हमारे प्रमुख राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ये कंटेंट कैसा है, ये क्वेश्चन हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं 2 वीडियो और इस पर बनाऊं, ठीक है। एग्जाम से पहले आप इन तीनों वीडियोज को देख लेना और इन वीडियो को शेयर करोगे ना, तो जो भाई ग्राम सचिव पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और जो हरियाणा सीईटी का बैच है वो तो अलग से चला हुआ है, उस पर भी हम क्या है बहुत वीडियोज डाले हुए हैं, उन वीडियोज को भी देखें और आप अपना सुझाव दे सकती हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।